आईपीएल 2021 में रोटेशन के बाद अब सबकी निगाहें मेगा ऑक्शन पर टिकी हैं। इसको लेकर सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में जो खिलाड़ी अपनी पुरानी टीम से रिलीज किए जा चुके हैं वो ऑक्शन में जाने से पहले अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। दरअसल इस लिस्ट में आरसीबी के चतुर स्पिनर युजवेंद्र चहल का भी नाम शामिल हो गया है। दरअसल युजवेंद्र चहल ने अब आरसीबी की जगह महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल चहल ने कहा, अगर आरसीबी मुझे ऑक्शन में नहीं लेती है तो मैं माही भाई के साथ चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलना चाहूंगा। दरअसल चहल की ये सब कहने की वजह आरसीबी द्वारा उन्हें रिलीज किया जाना है। दरअसल आरसीबी ने इस बार चहल को रिटेन नहीं किया, ऐसे में अब उन्हें ऑक्शन में जाना होगा। अगर वो ऑक्शन में चुने गए तभी वो अगले सत्र में खेल पाएंगे। दरअसल चहल 2014 से ही आरसीबी से जुड़े थे, इससे पहले वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। दरअसल चहल को विराट कोहली का करीबी माना जाता है। मैच के दौरान जब भी कोहली को विकेट की जरूरत पड़ती थी युजवेंद्र चहल अपने कप्तान को निराश नहीं करते थे और आंकड़े इस बात की गवाही भी देते हैं। वहीं आरसीबी की तरफ से खेलते हुए युजवेंद्र चहल ने 113 मैचों में 22.0 की औसत से 139 विकेट लिए हैं। वो इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। दरअसल इसके बावजूद आरसीबी ने उन्हें इस बार रिटेन नहीं किया, लेकिन अब युजवेंद्र चहल ने सीएसके की तरफ से खेलने की इच्छा जताई है। चहल ने कहा कि वो धोनी की टीम सीएसके के लिए खेलना चाहते हैं, ऐसे में ये कोहली के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इससे पहले इस बार एबी डिविलियर्स ने भी आरसीबी का साथ छोड़ दिया है। उन्हें कोहली का टीम में सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। हालांकि डिविलियर्स ने संन्यास का ऐलान किया है, वहीं चहल ने ऐसे ही धोनी के साथ सीएसके की तरफ से खेलने की इच्छा नहीं जताई है। दरअसल माही के रहते हुए युजवेंद्र चहल का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए बहुत शानदार रहा था। मैच के दौरान माही विकेट के पीछे से लगातार चहल की मदद करते रहते थे, जिसका असर प्रदर्शन में गेंदबाजी में दिखाई देता था। इस बात को कई बार खुद चहल स्वीकार कर चुके हैं कि धोनी के रहते उन्हें विकेट लेने में काफी मदद मिलती थी और आंकड़े इस बात की गवाही भी देते हैं। वहीं आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी में युजवेंद्र चहल ने 46 वनडे मैच खेले हैं और कुल 81 विकेट लिए, जबकि धोनी की गैर मौजूदगी में चहल को 10 मुकाबले में सिर्फ 16 विकेट मिल सके हैं। वहीं चहल ने अपना आखिरी वनडे मैच इस साल श्रीलंका के खिलाफ 20 जुलाई को कोलंबो में खेला था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि चहल अब टीम इंडिया में भी अपनी जगह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में चहल अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए दोबारा धोनी के साथ खेलने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि चहल की ये इच्छा सीएसके पूरी करेगी या नहीं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।